तो नमस्कार, आप देखो जी एसएम मौर्य, मैं हूं काश, लेके आए आपके लिए नई वीडियो कैमरा कंपैरिजन नोकिया 7 का शाओमी 6 के साथ। क्यों हम ये कंपैरिजन करेंगे आपको बता रहा हूं आगे, और हम बात करेंगे आगे, बढ़ेंगे आगे। दोस्तों पहले हम कंपेयर करेंगे, आपको मैं वीडियो दिखाता हूं शाओमी 6 की और नोकिया 7 की, दोनों वीडियोस आप देखिए, उसके बाद हम फोटोज देखेंगे और बाकी बात करेंगे आगे। तो चलिए पहले वीडियो देखते हैं, बाकी करते हैं बात आगे। ये है HD मोड 720 पिक्सल रियर कैमरा, तो आप देख सकते हैं ये थोड़ी धूप है, धूप है, ये है फुल HD मोड 1080 पिक्सल के ऊपर, आप देख सकते हैं नोकिया में ओजो एनेबल, और ये मैं आपको फ्लावर दिखाऊंगा यहाँ पे, आप देखिए कलर, ये फ्लावर पे मैंने फोकस किया और ये अब मैंने पानी पे फोकस किया है, ये आप देखिए किस में कलर अच्छे आ रहे हैं और किस में थोड़े लो आ रहे हैं, ये देखिए। और ये पत्तों पे कलर आप देख सकते हैं किस में ज़्यादा बढ़िया आ रहे हैं। और ये है 4K वीडियो नोकिया 7 और अपने MI 6 में, आप देख सकते हो दोनों का 4K कैमरा कितना बढ़िया है, किस में ज़्यादा बढ़िया आ रहे हैं कलर्स, ये देखिए। यहाँ पे आप OIS भी देख सकते हो किस में ज़्यादा बढ़िया है, और ये देखिए ये मैंने फोकस किया है, ये जा रही है, और ये अब मैं पत्तों पे कर रहा हूँ, और ये मैंने फ्लावर पे फोकस किया है, और ये अब फिर से उसी पे। ये है नोकिया 7 और MI 6 में फ्रंट कैम पे HD वीडियो 720 पिक्सल के ऊपर ये वीडियो बन रही है, ये आप देख सकते हो कैसा कैमरा है दोनों का, ये आप देखिए। ये अभी मैं धूप में जाऊंगा और आप देखिए कलर कैसे हो रहे हैं इसके, देख सकते हैं आप। ये वाली वीडियो जो कर रही है वो है फुल HD फ्रंट कैमरा, यहाँ पर छाएं, तो हाँ जी, अगर आपने दोस्तों यहां पर वीडियो देखी होगी आपने देख लिया है नोकिया में थोड़ा सा येलोइश पन आ रहा है कुछ वीडियोस में, बैक कैमरा आगे और फ्रंट में भी थोड़ा थोड़ा आ रहा है, ये क्यों हुआ, सेम लाइटिंग थी, सेम एंगल से मतलब कैमरा को पकड़ा गया था। तो यहाँ पर शाओमी का पहले बोला जाता कि शाओमी का कैमरा काफ़ी जी मतलब बढ़िया नहीं होता, आप देख चुके हो कैसा है, इसे हम लो लाइट में भी MI 6 में किसी और फोन के साथ कंपेयर करेंगे और नोकिया 7 को भी किसी और फोन के साथ जरूर कंपेयर करेंगे, क्योंकि मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ आपको, ये दोनों सेम प्राइस बजट की डिवाइसेज है, 4K मोड सपोर्ट करती हैं, फेस
फ्रंट में जो कैमरा है उसमें फुल एचडी करती है, तो यही कारण था मेरा इस वीडियो को बनाने का। और अगर बात करें इसमें जो फोटोज ली गई हैं, और उससे पहले अगर मैं बताऊं एमआई में ड्यूल कैमरा मिलता है 12 मेगापिक्सल का, नोकिया में मिलता है 16 मेगापिक्सल का, शाओमी में 8 मेगापिक्सल का फ्रंट है और नोकिया में 5 मेगापिक्सल का है 2.0 पार्चर के साथ, ऑटो फोकस दोनों में मिलता है। हालांकि शाओमी में ये डिस्क्राइब नहीं किया गया पर ये मिल जाता है। उसके बाद बात करें तो बाकी इन्फो आप देख सकते हो इंटरनेट के ऊपर भी। हम देखते हैं यहाँ पर जो हमने पहली फोटो क्लिक की है, ये आप एमआई 6 के ऊपर देखिए और उसके बाद मैं दिखाता हूँ आपको ये नोकिया पे। ओके, तो ये आप नोकिया में देखिए, अगर हम देखें यहाँ पे कलर वाइब्रेंट जो है नोकिया में काफ़ी ज़्यादा है, शाओमी में भी बढ़िया है, ऐसा नहीं है कि शाओमी में बढ़िया नहीं है, पर यहाँ पर नोकिया थोड़ा सा ज़्यादा बढ़िया आ रहा है। इसी वीडियो फोटो को हमने थोड़े अलग एंगल से लिया, वो भी आप देख सकते हो। यहाँ पे शाओमी में भी कुछ ऐसा नहीं है, कोई कमी है वो आप देख सकते हो। अगर नोकिया में देखें तो नोकिया में डिटेल और लाइटिंग काफ़ी थोड़ी बढ़िया महसूस होती है और फोटो उबर के बाहर आती है, आप देख ही सकते हो। तीसरी फोटो है, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, ये फ्लावर्स की एक नीचे एंगल से हमने ली है, आप देख सकते हो ये Xiaomi 6 की है। और उसके बाद अगर यही फोटो मैं आपको दिखाऊं नोकिया के ऊपर, आप देखिए ये भी बढ़िया यहाँ पे नीचे से एंगल लिया गया है और आप देख सकते हो कि पीछे बोके मोड मतलब कि ऑलमोस्ट बन गया है, ब्लर हो गया है। चौथे नंबर पर मैं एक नोकिया को आपकी नोकिया की फोटो दिखाता हूँ, यही उसमें थोड़ी सी लो लाइट की गई है और आप देख सकते हो कैसे कलर वाइब्रेंट हो रहे हैं, कैसे सैचुरेशन सब कुछ आपके सामने है, डिटेल कितनी आ रही है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर, ये आप देख रहे हो मतलब कि एक तरह बोके मोड दिया गया है, ये Xiaomi की फोटो काफ़ी बढ़िया मतलब कि पोर्ट्रेट मोड इसने यहाँ पर दिया, आपने देख लिया। अभी हम देखते हैं यहाँ पर ये नोकिया में, और ये नोकिया में आप देख सकते हो दो पिक्चर्स हैं, ये पहली पिक्चर्स है, एक सेकेंड, ओके, ये पहली पिक्चर आप देखो जो मैंने पीछे नोकिया में दिखाई वही सेम यहाँ पर है। उसके बाद अगर बात करें जो हमने Xiaomi में लिया उसको थोड़ा सा फोटो को छोटा किया और यहाँ पर भी आप देखिए डिटेल वगैरह कैसी आ रही है। और अभी हम चलते हैं नोकिया की तरफ, तो यहाँ पर आप देखिए कितना अच्छा, ये एक्चुअली इसका मैक्रो मोड है, मैक्रो मोड होता है कि जो मतलब मैक्रो लेंस आते हैं, आप देख सकते हो किसी फूड की आप फोटो ले रहे हो, किसी छोटी चीज की ले रहे हो, तो यहाँ पर आप देखिए इतने छोटे फूल को कितना उसने बड़ा करके दिखाया और बढ़िया दिखाया। पीछे बोके मोड ऑलमोस्ट हो गया, यहाँ पर आप देख सकते हो फोकस कहीं पर है कहीं पर नहीं, वो इसका एक मोड है मैक्रो मोड, जहाँ पर जो फूड मोड कईयों में आता है कईयों में कुछ आता है पर इसे मैक्रो मोड बोलते हैं फोटोग्राफी में। तो आप यहाँ पर देखिए कितना बढ़िया आया। तो यही मैं आपको दोस्तों दिखाना चाहता था, वीडियोज आपने देख ली, फोटोज आपने देख ली। अभी आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन से और फोन के साथ इसी प्राइस रेंज में आप, या फिर नीचे वाली में कौन सी डिवाइस के साथ आप देखना चाहते हो कंपैरिजन कैमरा का, और कौन सा कंपैरिजन आप देखना चाहते हो नोकिया में। गेमिंग का आएगा, गेमिंग को थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि यहाँ पर इंटरनेट का थोड़ा सा इशू है, क्योंकि मैंने अभी प्ले स्टोर इसमें डाल लिया है तो बस मतलब कि एक आधे दिन में गेमिंग रिव्यू आपको देके फिर प्रो कौन आपको सारे हैंड रिव्यू फुल रिव्यू आपको एक बार मैं दे दूंगा जो पावर पैक होगा। तो चलिए दोस्तों, कमेंट करना नीचे मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया के ऊपर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आप चैनल के ऊपर नहीं हो, और घंटी दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं आ रहा, ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड हो तो घंटी को दोबारा दबाइए और भूल जाइए कि नोटिफिकेशन नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, आप देखो जैसे मरण, मैं हूं काश, नमस्कार, खुश रहिए।